फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। आज हम आ गए थे जन्माष्टमी के दिन मंदिर में, और यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारा स्वागत हुआ, मतलब जो मंदिर के बाहर लगी हुई थी, ये थी राक्षस शमशासुर की मूर्ति जो कि आग उगल रहा था। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे जब हम चले तो हमने इसको ध्यान से पास से देखा, जिसके ऊपर लिखा हुआ था शमशासुर। तो फिलहाल हम देखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि लाइन काफी लंबी हो चुकी थी। लाइन लंबी होने के कारण हम भी लाइन में लग गए और हमने आराम से दर्शन करे। अब चलते हैं आगे। आगे देखने के बाद हमें मिले कृष्ण जी के विभिन्न रूप। यहाँ पे देखिए कैसे लाइन में लगे हुए थे, मैडम पीछे से आ रही हैं, और ये देखिए कैसे झांके इन्होंने लगाई हुई थी। और हम आगे चलते गए और धीरे से देखो, सबसे पहले एक इसकी मूर्ति आई है, आपको पता है तो कमेंट करें वीडियो में। और ये कैसे मोर ने अपने पंख फैलाए और यहाँ पे डांस करके मोर हमको दिखा रहा था और कह रहा था यूट्यूब चैनल को देखते रहो। आगे देखते हैं, आगे देखो ये बाबा जी दर्शन दे रहे थे यहाँ पे कृष्ण जी। ये कौन से हैं? सुदामा जी। ये सुदामा जी के दर्शन दे रहे हैं और साथ में उनके मित्र कृष्ण जी, जो हम सबके भाग्य विधाता हैं, और साथ में राधा माता हैं। तब हम आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हमें मिले, ये बताओ ये सबसे फेमस वो है जिसका नाम है ताड़का। तो कंस ने भेजी थी ताड़का कृष्ण जी को मारने के लिए, लेकिन ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाई और कृष्ण जी ने इनका ही वध कर दिया। चलो ताड़का चाची, अब हम आगे चलते हैं। तो चाची ने हमें बाय बोलो, हम आगे चले। चलो 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 चलो, ये हम आ गए यहाँ पे। देखो कितनी सुंदर झांकी, यहाँ पे कृष्ण जी और राधा माता एक दूसरे के साथ छिपन छिपाई डांस करते हुए खेलते, और बड़ी अच्छी झांकी हमें लग रही थी, मन मोह लिया इन्होंने हमारा। और थैंक यू कृष्ण जी हमें अपने दर्शन देने के लिए। फिर हम आगे चले। आगे देखो भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी, उनके साथ उनके छोटे बेटे गणेश जी, बड़ी अच्छे दृश्य लग रहा था। तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो और प्लीज कमेंट जरूर करो हैप्पी जन्माष्टमी या जो भी, हैप्पी जन्माष्टमी, जय भोलेनाथ। फिर हम आगे निकल गए, काफी लाइन लंबी लगी हुई थी भोलेनाथ वाली वीडियो में, और काफी लोग थे यहाँ पे। और लोग आने के बाद फिर हमने यहाँ पे देखा, ये एक और वीडियो थी यहाँ पे, कुछ लिखा हुआ था महाजन, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था। हम फिर आगे चले। आगे चलने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे और मनमोहन झांक गया थी। यहाँ पे देखो कैसे कृष्ण जी, ये वो है लीला, ये महाभारत वाली लीला आई थिंक, जिसमें उसके वस्त्र खींचे जाते हैं द्रौपदी जी की, ये वस्त्र खींच रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी। अब हम फिर आगे चले तो यहाँ पे देखो कृष्ण जी कैसे माखन की मटकी के पास खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सबसे सुंदर दृश्य तो यहाँ पे इन्होंने कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। तो अगर आपको मौका मिलता है आप भी गोवर्धन पर्वत जाइए। आगे देखिए सबसे सुंदर दृश्य, यहाँ पे क्या काम करते हैं कृष्ण जी, गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं और पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं। और आगे फिर देखो गोपियों के बीच कैसे कृष्ण जी